आइए मैडम, कश्मीरी ऊनी ब्लेजर से जी हाँ। हेलो दोस्तों, कितने पैसे हैं आपके पास? दो। दिखाओ जरा अपने पैसे, दिखाओ। वैष्णवी के पास बहुत सारे पैसे हैं, दिखाओ पैसे। किसने दिए आपको ये पैसे? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से, तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज है दोस्तों धनतेरस। अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ वैश्व को स्कूल छोड़ने के लिए, और कल मेरा एकादशी का व्रत था तो मैंने अभी कुछ खाया भी नहीं है। अब जब वैश्व को छोड़ के आ जाऊँगी तभी खाऊँगी कुछ, तो पहले वैसे को स्कूल छोड़ती हूँ, फिर जाऊँगी मैं मार्केट, क्योंकि वैसे के साथ मार्केट जाना अपने लिए बहुत टफ हो जाता है, उसके साथ मार्केट जाना। और आजकल तो मार्केट में इतनी भीड़ हो रखी है धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग बहुत जमाजम, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली वैसे को स्कूल छोड़ गया और मैंने नाश्ता पानी भी कर लिया है, और अब चल रही हूँ मैं मार्केट थोड़ा सामान लेने के लिए। चमकीले वाले पैर कितने के हैं? ये एक जोड़ी निकाल दीजिए। हाँ ठीक है, 150 हो गए इसके। नहीं वो लेते मिल जाएगा टेबल में। ये तो आपको तो मोटी देनी है। हां जी धन्यवाद, आप लोग पैक कर रखें। ये 30 का है 50 का, इनसे कह रहा हूँ थोड़ा कम मिला उसका। तो आ जाएंगे क्या ले आप? वो बढ़िया फ्रेश। और अब मुझे थोड़ा सा धनिया लेना है यहाँ पे, क्योंकि आज धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आज हमने ये सामान खरीदा आपकी दुकान से। आज हमने बहुत सारी शॉपिंग की। तो अभी आ चुकी हूँ मैं घर पे, और क्योंकि वैसे के स्कूल का टाइम हो गया था तो पूरी शॉपिंग भी नहीं हो पाई है, और तो फिर से जाएंगे शाम को मार्केट। मार्केट में काफ़ी भीड़ हो रही है। जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम उतनी थी, और जब मैं वैश्व को लेके दोबारा मार्केट गई मैंने सोचा अभी काम निपटा लेती हूँ, शाम को ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। बाप रे इतनी भीड़ हो गई उसी टाइम, मतलब मैं वहाँ से स्कूल गई वैश्व की और वैश्व को लेके आई, और इतनी भीड़ हो गई इतनी टाइम पर, और मैंने उठाया वैश्व को सीधे घर आए, क्योंकि बाप रे ऐसी लगी थी धूप इतनी भीड़। मैंने कहा शाम को देखी जाएगी, चाहे जितनी भीड़ होगी पर ठंडा तो रहेगा शाम को कम से कम। तो अब हो चुकी है शाम, और मैं और वैश्व जा रहे हैं फिर से मार्केट। वैश्व के लिए तो बहुत सारे गिफ्ट लाने, गिफ्ट और क्या लाने आपके लिए बताओ? बहुत सारे क्या? बहुत सारे गिफ्ट और खेले। अच्छा क्या लाने आपके लिए? क्या लाने? पटाखे। स्कूटी को मैं यहाँ पे खड़ी कर दूंगी क्योंकि वहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है। चलो पैदल क्या बात है। तो वैश्व को इतनी खुशी हो गई पायदान 250 रुपए के दो। क्या हाल है बेचू? क्या लोगे वैसे आप बताओ? गेट है। बाप
बाप रे बाप वे सु बाप ये सुबह दिन सुबह ले ली ना जाओ थे तो इस भीड़ से बड़ी मुश्किल से निकले बाहर और मैं वैसे भोले बाबा के दर्शन करते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधे घर पे। तो अब हो चुकी है शॉपिंग और चलते घर। बाप रे आज की भीड़ भाड़ में बड़ी मुश्किल से निकले घर। यहाँ पे मैं माता रानी के चरण में लाई है जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। ये लाई मैं झाड़ू जो कि तो मैं यहाँ पे हल्दी की गांठ भी लाई थी आज और धनिया भी लाई थी। इस छोटे से ब्लॉग को मैं पेंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अब मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।